हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बायो यूनिट। आज जो हम लोग जानने वाले हैं या जिसके बारे में हमें डिस्कस करने वाला हूँ वो है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसको बोला जाता है। इसको कॉमनली मेडिकल साइंस में बोला जाता है आईबीएस। ओके, डॉक्टर्स इसको आईबीएस नाम से जानते हैं, बोलते हैं। तो ये एक्चुअली में होता क्या है, इसमें क्या क्या हमें सिम्टम्स पैदा होता है, उसी के बारे में आज जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पहला डायग्राम मैंने दिखाया है। इस डायग्राम में एक आदमी का शरीर दिखाया गया है, उसमें वो अपने पेट के वहाँ पे पकड़ा हुआ है और उसको समथिंग प्रॉब्लम हैपेंड, मतलब प्रॉब्लम वहाँ पे फेस हो रहा है उनको। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पेट के यहाँ पे पकड़ा हुआ है, मतलब हमारा, हम तो जानते हैं हम इस हिस्से को एब्डोमेन बोलते हैं, इस पूरे हिस्से को, क्योंकि ये स्टोमक से खाना खाने के बाद ये अल्टीमेटली कहाँ जाता है ना, इंटेस्टाइन, एब्डोमिनल पार्ट में हमारे इंटेस्टाइन रहता है। देखिए ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, बड़ा सा थोड़ा मोटा है, ये है ना लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है इसको, और स्मॉल जो देख रहे हैं ना ये, इसको बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्ज, ये स्मॉल, तो ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन क्या करते हैं ना, हम जो खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में भेजने का काम करते हैं इंटेस्टाइन। तो ये प्रॉब्लम समथिंग उसी में है, इसलिए प्रॉब्लम देखिए आदमी यहाँ पर अपना पकड़ा हुआ है और उसे रेडनेस थोड़ा दिखा रहा है, मतलब इसको यहाँ पे कुछ इरिटेबल सिंड्रोम हो रहा है, कुछ उसको तकलीफ हो रहा है उसको वहाँ पे। तो क्या सिम्टम्स क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन है। तो अब देखिए ये जो है ना डायरिया कॉन्स्टिपेशन, ये दोनों लेकिन ऑपोजिट है। हम लोग जानते हैं डायरिया मतलब क्या होता है ना, स्टूल से हमारा लिक्विड ज़्यादा निकल जाता है और लिक्विड ही स्टूल होता है। बट कॉन्स्टिपेशन पूरा अलग है, उससे पूरा डिफरेंट है डायरिया से। इसमें क्या होता है ना, हमारा जो स्टूल है वो नहीं निकलता है, वो बहुत ही रुक रुक के निकलता है, कम निकलता है, हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम सभी जानते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने खाना खाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ काम होने के बाद जो खाना को, मतलब जो हमारा जो शरीर जिसको सोखने के बाद जो बाहर निकलना चाहता है उसी, वो सब खाना का जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आप लोग देख रहे हैं यहाँ से शुरू होके वो पूरा पाथवे फॉलो करके यहाँ तक आता है, मतलब ये जो प्रोसेस है, ये आने का प्रोसेस, इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तभी आइदर हमें डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं हमें कुछ हो रहा है, जो जो वेस्ट मटेरियल है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने के बाद उसको पाथवे में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके लिए उसको आइदर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, इस तरह का चीज़ हो रहा है। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग जाते हैं। इसमें दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे एक स्टोमक, पूरा हमारा स्टोमक है, पूरा बॉडी का पार्ट दिखाया गया है, एनाटॉमी ऑफ कोलन दिखाया गया है। यहाँ इस पिक्चर को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, आप लोग देखिए यहाँ इसमें क्या दिखाया गया है। लार्ज इंटेस्टाइन मैंने जो बोला, लार्ज इंटेस्टाइन का भी पार्ट बहुत सारा होता है। देखिए ये जो है ना असेंडिंग कोलन बोला जाता है इस पार्ट को, मैं थोड़ा इसको मार्कर से दिखाता हूँ आपको, ये बोला जाता है इसको असेंडिंग कोलन। ओके, इसका ऑपोजिट में ही है देखिए डिसेंडिंग कोलन, दोनों हो गया। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स कोलोन है, बिकॉज ये ट्रांसवर्स वे में है इसका, हाँ वो ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग। ये सिग्मोइड कोलोन है, इसको इतना जो है सिग्मोइड कोलोन है, ये रेक्टम का पोर्शन है, ये एनस है। ओके, मीन्स यहाँ से असेंडिंग कोलोन से जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट आता है ऊपर खाने के बाद, ट्रांसवर्स कोलोन से जाने के बाद इसको धीरे धीरे यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन में आके रेक्टम में आके वो जमा होना शुरू करता है। रेक्टम में जमा हो गया, उसके बाद धीरे धीरे वो एनस के थ्रू हमारा स्टूल के रूप में वो निकल जाता है वेस्ट प्रोडक्ट। अब मैंने पहले जैसे आपको बोलता है आईबीएस में क्या होता है, इसी पाथ में कुछ प्रॉब्लम होता है, इसी पाथ में कुछ डिफेक्टिव प्रॉब्लम आने से क्या होता है ना, वो जो स्टूल का जो आइदर वो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन में पैदा होता है और इससे हमें बहुत ही प्रॉब्लम होता है। हाँ, हमें अच्छा नहीं लगता है और हमेशा पेट दर्द करता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, देखिए ये जो इंटेस्टाइन पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या करता है ना, कॉन्ट्रैक्शन करता है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन करके ये खाना को, जो वेस्ट मटेरियल खाने के बाद हम लोग का जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठा के, क्योंकि इसको पूरा पाथवे ले जाना है। तो ये हर मसल जो देख रहे हैं ना, ये एक मसल है हर कोई, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, आगे आगे ढकलता है खाने को, फिर वेस्ट मटेरियल को आगे ढकलता है, आगे ये करके करके ये धीरे धीरे यहाँ तक आता है। तो इसी प्रोसेस में अगर ये कॉन्ट्रैक्शन वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में आपको मैं दिखाता हूँ, इस डायग्राम में आप लोग देखिए
ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस आपको दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, ये आगे बढ़ गया, वोस्ट मटेरियल आगे बढ़ गया, फिर इस पोर्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ये आगे बढ़ेगा। मतलब इसका आगे बढ़ने का तरीका इसी तरह होता है। मतलब ये जो मसल सब है ना, मसल ग्रुप को कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टेलिसिस बोलते हैं उसको, उस पद्धति को पेरिस्टेलिसिस बोलते हैं। मतलब उस मूवमेंट के द्वारा वेस्ट मटेरियल को ढकलता रहता है, ढकल के वो एनस तक पहुँचता है। अभी इसी मूवमेंट में कभी भी ये मूवमेंट अगर फर्स्ट हो जाए, बहुत ही फर्स्ट कर रहा है, तो क्या होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन भी ये काम करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो ये वॉल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जितना भी वॉल है ना, ये क्या करता है, ये जो वेस्ट मटेरियल है ना, वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। वाटर एब्जॉर्ब करेगा और वो धीरे धीरे आगे जाएगा, वाटर एब्जॉर्ब करते रहेगा और धीरे धीरे आगे जाएगा। तो इसमें क्या होता है, अगर ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट होगा, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलीज, कॉन्ट्रैक्शन और रिलीज वेस्टेरिस बहुत फास्ट होगा, तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ओके, इसका मतलब क्या, वाटर इस वेस्ट मटेरियल में रहेगा, वाटर भी रहेगा, तो ये जब एनस से, ओके, रेक्टम में कलेक्ट होकर एनस से निकलेगा, तो ये वाटर ही स्टूल होगा। मतलब इसमें वाटर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होगा, तब उसको डायरिया तक सिम्टम हो सकता है। अगर अगर ये प्रोसेस, ये कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाए, मतलब धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन को टाइम मिल गया वो उस वेस्ट प्रोडक्ट से अपना वाटर को सोखने का, वाटर जब वो पूरा सोख लेता है, तब ये क्या होता है ना, यहाँ पे आके अटक जाता है, क्योंकि वाटर नहीं है, उसका मूवमेंट भी स्लो हो गया, तो ये थोड़ा थोड़ा वो स्टूल निकलता है, थोड़ा बहुत ही। मतलब आप कभी भी लैट्रिन जाएंगे तो आपको फुल वेस्ट मटेरियल अब से शरीर से नहीं निकलेगा स्टूल, वो धीरे कम निकलेगा, क्योंकि वाटर, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट से वाटर पूरा सोख लिया गया, वो हार्डन हो गया, हार्डन स्टूल हो गया। तो इससे क्या होता है, ये बहुत ही हमें प्रॉब्लमेटिक, कॉन्स्टिपेशन को जानते हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ये हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यही है पूरा प्रोसेस। इसमें हमें कुछ खाना का जो पार्ट है वो हमें अवॉइड करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, इस तरह का फूड हमें नहीं खाना है जो हमें कॉन्स्टिपेशन या गैस ये अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, ये सब फूड यहाँ पे दिखाया गया, ये आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। फाइब्रस, मीन्स मैं भी बोल रहा हूँ, फाइब्रस फूड खाने से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को फाइब्रस फूड बोला जाता है खाइए। फाइब्रस में क्या होता है ना, वो थोड़ा जो बाउल मूवमेंट में, ये तो अल्टीमेटली क्या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है ना, तो इसमें क्या बाउल मूवमेंट सही से होता है फाइब्रस फूड। बट बीन्स, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, सर्टेन फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये खाने से, मिल्क खाने से, ये क्या होता है ना, ये प्रॉब्लम थोड़ा और ज़्यादा बढ़ता है, गैस होता है, ये खाना ठीक से नहीं अपना मूवमेंट कर पाता है, पेरिस्टेलिसिस प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था IBS का। IBS में क्या होता है, मेरा पर्पस यही था लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाना, अगर किसी को IBS हुआ है तो उसको क्या फूड अवॉइड करना चाहिए, और IBS में क्या होता है, अल्टीमेटली क्यों हमें इतना पेन होता है, क्यों कॉन्स्टिपेशन होता है, क्यों डायरिया होता है। तो ये जो अगर आपको डिजीज़ है, आपको समझना चाहिए आपके शरीर में कैसे ये काम करता है डिजीज़। तो यही पूरा लेक्चर था IBS के बारे में। आपको अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर अपना कंसल्टेंट फिजिशियन हो, जनरल फिजिशियन, उनसे उनके पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, और एंटी कॉन्स्टिपेशन ड्रग्स वो सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, सेडेटिव सजेस्ट कर सकते हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग, ये सब ड्रग्स जो है ना वो सजेस्ट कर सकते हैं IBS में, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हम अगर डिप्रेस रहेंगे तो हमारा बॉडी भी थोड़ा मूवमेंट करने के लिए नहीं रहेगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टेलिसिस प्रोसेस वो हार्म होता है, तो आदमी जब डिप्रेस्ड होता है तो इस तरह का प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। तो उसमें एंटी डिप्रेशन वाला दवाई दिया जाता है, हाँ, ये और मसल मूवमेंट के लिए भी कुछ दवाई है वो दिया जाता है। तो ये दवाई का जो पार्ट है वो डॉक्टर ही अच्छे से बोल पाएंगे, उनको आप कंसल्ट कीजिए, विदाउट कंसल्टिंग एनी डॉक्टर आपको ये दवाई गूगल से सर्च करके मत लीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस, मेरा पर्पस यही था, IBS क्या है, क्यों होता है, कैसे ये IBS हमारे शरीर में होता है, हमें सिर्फ हमको लगता है कि हमारा पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है, ये डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं ना, दर्द हो रहा है, तो ये इसमें अल्टीमेटली क्यों क्या होता है, डायरिया होता है तो क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्यों होता है। डायरिया मैंने बोला, इसमें वो स्टूल का में वाटर परिमाण ज़्यादा रहता है तो डायरिया और वाटर स्टूल होता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, स्लो मूवमेंट होने के कारण क्या होता है ना, वो पूरा वाटर को सोख लेते हैं, तो क्या होता है, जो स्टूल हो ना वो बहुत ही हार्डन हो जाता है, तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर आपको ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS है तो आप अपना कंसल्टेंट फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए। तो आज का टॉपिक यहीं तक, थैंक यू।